मैहर में युवक की हत्या की आशंका, परिजन कर रहे हंगामा। मैहर ग्राम पौड़ी से दोस्तों के साथ दशहरा देखने गए युवक की हुई मौत। दोस्तों द्वारा परिजन को बताया गया कि ऑटो पलटने से हुई मौत, जबकि देनी चाहिए पुलिस को सूचना। अस्पताल की जगह पहुंचाया घर, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। जन समस्या समाधान समिति की प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक पांडे ने पहुंच युवक के घर, कहा दर्ज हो हत्या का मामला, नहीं तो करेंगे आंदोलन। बने रहे दा खबरदार न्यूज के साथ। इनके साथ ही लोग हैं, क्या नाम उसका, केवट, राहुल केवट और उमेश केवट। ये तीनों लोग वहाँ गए साथ में, कहीं दशहरा देखने गए थे। उसके बाद ये रात को 2 बजे उसकी मृत्यु करके जो परिवारजन बता रहे हैं, हमें जानकारी हुई है। अब पुलिस प्रशासन, अभी तक FIR उसमें दर्ज नहीं हुई, 302 का मुकदमा होना चाहिए। उस व्यक्ति की दिनेश पाठक की, उसको मृत्यु के पश्चात सीधे यहाँ ले आके मारने के बाद यहाँ ले आकर ऑटो सहित खड़ा करके परिवार को सूचना दी गई। यदि मृत्यु हो गई थी बीच रोड में तो पुलिस को सूचना तत्काल देना चाहिए। यदि घटना में लग रहा कि बेहोश है या कुछ बचने के हालात में है तो एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, 100 नंबर को कॉल करना चाहिए। मौके में पुलिस आती, देखती कि ये मृत्यु है, एक्सीडेंट है, हत्या की गई, वो निर्णय लेती। पर जिस तरह से साजिश के तहत उन दोनों के द्वारा ये हत्या की गई, उसमें पुलिस को तत्काल 302 की IPC के तहत मुकदमा कायम करके FIR करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करना चाहिए, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवारजन और यहाँ के ग्रामीणजन समस्या समाधान समिति के साथ में थाने के सामने जन आंदोलन करेंगे। आचार संहिता के नियमों के तहत शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी तुरंत प्रशासन की होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।